एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रोज फूड एंड लाइफस्टाइल पे। तो आज मैं आपके साथ टाकोस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसे बनाने में हम जो भी सामान यूज़ करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट हमारे किचन में होता ही है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टाकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एक बाउल के करीब गेहूँ का आटा। एक बाउल से थोड़ा सा कम मैं यहाँ मैदा ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदा में भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे गेहूँ के आटे में बना सकते हैं। तो अब मैं आटे में डाल रही हूँ नमक और साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल, जिससे कि हमारे टाकोस खस्ता बनेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप साबुत लाल मिर्च को कूट के उसे भी डाल सकते हैं, या फिर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए डो तैयार हो चुका है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि आटा थोड़ा सेट हो जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ एक पैन में मैंने डाल दिया है 1 बड़े चम्मच के करीब तेल और उसमें 1 बड़े साइज के प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। प्याज को ऐसे भून के टाकोस में डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज भुन गया है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है 3 से 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू और इसे मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, जिसको हमने फ्राई कर लिया था। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 पिंच के करीब काली मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही 1 हरी मिर्च को ऐसे बारीक काट के डाल रही हूँ। हरा मिर्च ऑप्शनल है। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टाकोज की स्टफिंग तैयार है। तो अब हम आटे की तरफ चलते हैं। तो देखिए आटा भी सेट हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए हाथों से ऐसे मसल लेंगे। तो अब हम आटे को चकले पे रख के और इसे रोल कर लेंगे और इसे बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे, जिससे कि हमारी लोई बराबर बने। तो यहाँ देखिए मैंने कट कर लिया है। तो अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारी लोई को बना लिया है। तो अब हम चकले पे डालेंगे सूखा आटा और एक एक लोई लेके और इसे अच्छे से बेल लेंगे। रोटी को हमें ना बहुत मोटा बेलना है और ना ही पतला बेलना है। तो यहाँ मैंने एक रोटी को बेल लिया है और इसे एक प्लेट में रख दूंगी। प्लेट के नीचे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है ताकि रोटी एक दूसरे में चिपके ना। और इसी तरीके से मैंने सारी रोटी को बेल लिया है और यहाँ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो हम रोटी को सेक लेंगे और रोटी को हमें 50% सेकना है। 50% हम स्टफिंग के बाद सेकेंगे। तो यहाँ देखिए एक रोटी को मैंने सेक लिया है। बस इसी तरीके से हमें सारी रोटियों को सेकना है। तो यहाँ हमारी दूसरी रोटी भी सेक गई है और इसी तरीके से मैंने सारी रोटियों को सेक के रख लिया है। तो यहाँ मैंने लिया है टमेटो केचप और इसे मैं थोड़ा सा फ्लेवर देने वाली हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऑरिगेनो और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इन सबको डाल के मैं मिला लूँगी अच्छे से। ये करना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिंपल टमेटो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम टाकोस की स्टफिंग करेंगे और यहाँ मैं 1 चम्मच टमेटो केचप रोटी पे डाल के और इसे अच्छे से फैला दूंगी। आप चाहें तो पूरी रोटी पे फैला सकते हैं, मैं आधे पे फैला रही हूँ। 1 चम्मच आलू के स्टफिंग को एक साइड रख के और इसे अच्छे से फैला देना है और इस पर डालेंगे हम चीज़। चीज़ को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है और चीज़ आपको कितना डालना है ये आपके टेस्ट के ऊपर है। और इन सबको डाल के हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 1 टाकोस की स्टफिंग कर ली है और सेम प्रोसेस से हम बाकी के टाकोस की स्टफिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे टाकोस की स्टफिंग करके रख लिया है
और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए मैंने वही पैन इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने प्याज को भुना था। पैन में मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून के करीब तेल और अब हम टैकोस को डाल के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे जिससे कि टैकोस अच्छे से सिक जाए। इस तरीके से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक टैकोस को हम सेक लेंगे। तो टैकोस हमारे अच्छे से सिक गए हैं और इस पर एक अच्छा सा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के टैकोस को सेक लेंगे। तो यहाँ देखिए सारे टैकोस बनके तैयार हैं। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ।